मोहन भाई को फोन कर दिया, मोहन भाई घर के बाहर खड़ा हूँ, मोहन भाई आ रहे हैं। अब हम जा रहे हैं। चलो जी भाई, हम पहुँच गए हैं अनंत ट्रेडिंग कंपनी। भाई साहब तो बहुत महंगा है भाई यहाँ पे, है ना? इन्हें कोई काट दिया, इन्हें कोई काट दिया, खाने से कटने को ना आए हो। अब बताता हूँ प्राइस। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। मैं प्रथम शर्मा, आगे एक और बेहतरीन ब्लॉग के साथ। तो भाई आज मैं जा रहा हूँ दिवाली के लिए बम लेने। तो आप सोच रहे हो कि हुडी तो तबीयत ठीक नहीं है, दो दिन से तबीयत भी ख़राब है, लेकिन बम तो लाने ज़रूरी हैं। दो साल से तो फोन नहीं रहे, इस साल देखा थोड़ा ट्राई करते हैं और ब्लॉग भी बना लेंगे। तो मैंने भाई को फ़ोन कर दिया, मोहन भाई को, उनके पास जा रहा हूँ मैं। वहाँ से हम लेंगे स्कूटी और स्कूटी से हम जाएंगे सीधा बम लेने। बाकी जैसा भी होगा आपको आगे आगे मैं दिखाता रहूँगा, अभी चलते हैं। चलो गाइस, हेलमेट हमारे हमने ले लिए, बैग भी ले लिया इसमें आएगा, क्योंकि देखो कितने बम कैसे मिलते हैं। तो चलते हैं मोहन भाई के पास, वहाँ चल के दिखाता हूँ फिर आपको, वहाँ से जाएंगे स्कूटी लेने। तो मोहन भाई को फ़ोन कर दिया, मोहन भाई घर के बाहर खड़ा हूँ, मोहन भाई आ रहे हैं। तो भाई हम लोग निकल गए अपने काम के लिए, पहले लेंगे दो सीटी, फिर उसके बाद जाएंगे सीधा काम। कहाँ जा रहे हैं भाई? फारूक कर देगा, ये बात वही पड़ जाता है, वही पड़ता। चलो भाई, हमने स्कूटी ले ली, भाई चला रहे स्कूटी। अब यहाँ पे जाम बहुत है भाई, इधर खड़े हम आजाद मार्केट, यहाँ से निकलते हैं बाहर, फिर रिकॉर्ड करूँगा, फिर दिखाता हूँ आपको। बाकी बैग हमने रख लिया आगे और जाम देखो, जाम। तो लो जी भाई, हम सारा रास्ता क्लियर, जाम क्लियर करते हुए निकल आए हैं। अब हम जा रहे हैं मोहन भाई, तो अपने लिए बम ले आए थे, हम इडली को दिलाने जा रहे हैं। तो बस अभी सिनेमैटिक एंजॉय करो, आगे जो होगा आगे दिखाऊंगा। अभी जी भाई, हम पहुंच गए अनंत ट्रेडिंग कंपनी। यूट्यूब वगैरह पे भी देख ली बहुत जगह, भीड़ देख रहे हो, भीड़। बैग चलो साइड में लगाना भाई, साइड में इतनी, फिर दिखाता हूं आपको। बैग बैग ले लिया भाई, मोटरसाइकिल इधर लगाओ साइड में। तो भाई अभी हमारी वेटिंग, भीड़ तो का यार, भीड़ तो बहुत है भाई। बैग भी, चलो भीड़ तो बहुत है, देखते क्या करते हैं क्या नहीं। आ रहे हैं भाई, यहाँ से निकल रहे हैं, अब आगे जा रहे हैं। हम देख रहे हैं यहाँ तो ये यूट्यूब पे ज़्यादा फेमस फेमस थोड़ी दुकान है, यहाँ के आते हैं यूट्यूबर्स जाते रहते हैं, यहाँ पे तो रेटिंग बहुत आई है। अब आगे जा रहे हैं, आगे देख रहे हैं, बाकी पटाखों की मार्केटिंग है ये। पहले यहाँ जो बैन भी होते पटाखे तो मेरा लगता था समझ लो पूरा ऐसे बाहर लाइन से, अभी तो खैर बैन था तो कुछ कर नहीं सकते भाई। यहाँ पे देखे भाई, बमों का हिसाब तो बहुत महंगा है भाई यहाँ पे। दिल्ली में जब से बैन हुए ना बम, तब से भाई साहब 500 का एक डब्बा है, 500 देखो भाई। अब ढूंढे रहे हैं दो दुकानें, देखिए तो खैर बड़ी दुकान है, यहाँ महंगी। अब देखते हैं किससे बात करते हैं, कोई वो दे या ना दे। तो भाई बम तो हमने ले लिए, मोहन भाई हमें एक मन आ रहा है कि हमने स्कीम से लड़ाई है, और एक मन आ रहा है कि हम कटे तो नहीं है, है ना? इन्हें कोई काट दिया, इन्हें कोई काट दिया, उसका वो बच गया, कह रहा जहाँ भी जाना हो इन्हें ले जाना, कह रहे खाने से कटने को ना आए हो। बम तो हो गया काम सही, बाकी क्रैक लिंग की बेटी दी है सही, बहुत बम है यार। अगली बारी टाइम से लेके आएंगे ना, अभी कह रहा काम हो जाएगा सही, तो मैं सही ले लिया करेंगे अब। बाकी चलो बैग तो मेरा भाई नीचे बैग के अंदर टस्ते में हमने ले लिया, अब हम फटाफट निकल जाएंगे यहाँ से घर की ओर। जो हमने गोदाम गोदाम वाली वो देखी थी ना, जहाँ पर दुकानें थी लाइसेंस वाली बड़ी बड़ी भाई, उनकी देखी, उनके तो रेट ही ऐसे ऐसे हाई हाई 400 रुपये के डब्बे। तो यहाँ पे सही पड़ गया, मैं आपको घर जाके दिखाऊंगा मैंने क्या दिखाया है। बाकी अभी यहाँ पे जो पैसे के बेच रहे थे, क्योंकि कह रहे हैं भाई लाइसेंस वाइसेंस का नहीं हो पाया, हो जाएगा इसका, तो कह रहे भाई ऐसे नहीं तो तुम फ्री में ले आना। बाकी ने कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल्स वगैरह मैंने ले लिए सब, कभी नेक्स्ट टाइम जरूरत पड़ी तो इनसे ले लिया करेंगे। अभी बस फटाफट यहाँ से हेलमेट पहन के हम लोग निकले, फिर अपना एरिया आ जाए, उसके बाद करता हूँ भाई। प्रदूषण तो खैर वैसे है ही, मगर यहाँ पे जो गांव एरिया ना, यहाँ धूल ही बहुत है। अब मिट्टी ऐसे मुँह के अंदर मुँह में जाए ना, और कितने धूल है सत्तर सारा, कितने कितनी धूल है सत्तर ही हो रखा भाई, वैसे हुए पूरा बन वाला हेलमेट अभी जाना चाहिए, बहुत धूल है भाई, बहुत धूल। भाई जाम हो रखा है बहुत गंदा आगे तक,
10 मिनट से बस हुए हैं, इसमें हम बहुत जाम रखते हैं। चलो भाई स्कूटी हो गई चेंज, हमने दे दी आगे अपनी बाइक की रखी, अब चल रहे हैं घर। बैग टांग लिया मैंने, घर चल के दिखाता हूँ भाई। और इतना पोल्यूशन पोल्यूशन भी क्या, और गांव के एरिया में धूल डस्ट पोल्यूशन तो क्या है ही, लेकिन गांव के एरिया में इतनी धूल डस्ट, वहाँ पे कच्चा रास्ता सारा मिट्टी मुँह के अंदर सब। अभी घर जाके शायद लाइट्स भी लगानी है, तो जो घर चलते हैं सब कुछ करके आपको आराम से बैठ के फिर सारा प्राइस और सारे बटा के दिखाऊँगा। चलते घर जी भाई, हम पहुँच गए घर। मेरा बैग हेलमेट ये घर चलते हैं, अभी तो लाइट्स भी लगानी है और भूख भी लग रही है भाई बहुत तेज। चलो चलते अंदर करते हैं एंट्री करने। तो भाई थोड़ी देर वहाँ से बम लेके आके रेस्ट करके अब हमने रस्सी तो बांध दी, शुरू कर दी है लगाने, तो अब मैं भी लगाता हूँ। फिर आप लोग जब तक टाइम लैप्स एंजॉय करो, मैं भी लगाता हूँ लाइट्स, फिर पीछे वाली गैलरी में भी लगानी, तो बहुत लंबा हो जाएगा व्लॉग। अभी टाइम लैप्स एंजॉय करो। तो भाई एक घंटे की मेहनत के बाद ऐसे कुछ निकल के आया है, लाइट्स लगी है। अब वहाँ पे बस एक गैलरी हो रह गई, वहाँ पे लाइट्स लगा के फिर आपको दिखाता हूँ बम सारा जो बुलाया था वहाँ से। तो भाई पीछे भी लगा दी, ऐसा कुछ निकल के आया है, बाहर नेट है इस वजह से अंदर ही अंदर लाइट्स लगाई है। वहाँ पौधे वगैरह पे भी लगा दी, और बाकी वहाँ पे जो बल्ब है नॉर्मल, वहाँ पे मैं नॉर्मल बल्ब लगा दूंगा, बाकी ऐसा कुछ है। चलो अब बम दिखाऊँ आपको। चलो भाई मटके वाले, इनके रेट आपके सबको लास्ट में बताऊंगा। दो फुलझड़ी के पैकेट, ये तो छोटे हैं, दो गुजड़ी के पैकेट बम चलाने के लिए। भाई बड़े वाले स्क्रीनशॉट, इसके अंदर एक के अंदर तीन है, एक हो गई ये, इसमें भी तीन है, एक ये है भाई बम। तो इस बारी जब से दिल्ली में पटाखे बैन हुआ तब से भाई बहुत महंगा हिसाब हो गया है। और ये है पेंटा टॉप 5 जो जिसके अंदर 5 पटाखे आते हैं, एक ये दो ये तीन ये चार ये 5 डब्बे हो गए पेंटा के। और एक ये है ये 12-4 पेटी, ये जो 12 वाली ऊपर एक एक जाती है वो है। अच्छा। और ये है भाई हमारा फुलझड़ी के पैकेट, एक ये और ये बड़े वाले पेंटा ऊपर जाने वाले, तो ये हो गए। बाकी ये छोटे मोटे ये बुलेट बम का पैकेट बैग हो गए खाली, एक और अंदर अच्छा एक और बुलेट बम का, तो वो गया बैग खाली। सही करते हैं, अब बताता हूँ प्राइस। ये मटके वाले अनार इसके 10 पीस, ये 10 पीस है, ये मेरे को पड़े हैं 400 रुपए के। तो भाई दिवाली की दिल्ली में बहन है उससे तो बहुत महंगे, ये 400, ये मेरे ख्याल 10-10 रुपए का डब्बा पड़ा होगा, ये भी 50-50 का पैकेट पड़ा होगा। ये भाई ये देख रहे हो इतनी सी फुलझड़ी, ये 60 रुपए का एक पैकेट है, इतना महंगा। ये दो हमारे, ये है पेंटा टॉप 5, तो ये पेंटा है भाई। ये 5 पीस आते हैं एक में, ये वो ऐसे सब में अलग 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 5 होंगे, 5 डब्बे। और ये डबल विसल वाले, सिंगल विसल वाले रॉकेट होते हैं वो नहीं है, ये डबल विसल वाले रॉकेट, दो बारी बिजली करते जाते पूरा रॉकेट ऊपर विसल करता हुआ जाता है, ब्रांडेड है भाई, कॉर्नेशन के पटाखे हैं देख लो सारे, ये देख बड़े रॉकेट है, 10 अच्छा 10 पीस हैं ये, हाँ डबल विसल वाले हैं। इतना बड़ा महंगे,
और ये तीन वाले पटाखे। हाँ तो तीन वाले को लाया है ये 300 रुपए का मिला है एक डब्बा। और ये 12 पेटी 12 शॉट निकलते एक करके। तो बस यही है भाई, टोटल खर्चा बैठा है मेरा सारा मिला के 4000 रुपए के पटाखे आए सिर्फ इतने से। तो पहले तो 4000 में भाई इतने सारे पटाखे आ जाते कि मतलब भाई पूरा कट्टा भर भर के, अभी सिर्फ इतने से। और अभी लेट भी हो गया, दिवाली में सिर्फ हफ्ता है तो इस वजह से पटाखे अभी मिल रहे हैं महंगे। तो अगले साल जब जाएंगे तब थोड़ी जल्दी जाएंगे तो और सस्ते मिल जाएंगे। तो बस यही है, रैप अप करते हैं, उसके बाद करता हूँ ब्लॉग को एंड, ज्यादा कुछ तो नहीं। तो भाई यहाँ रख दिया बम, बाकी वो दिवाली वगैरह देने के सामान। तो चलो करते हैं ब्लॉग को एंड। तो बम देख लिया आपने, तो भाई ऐसा निकला आज का पूरा दिन। आई होप यू लाइक दिस ब्लॉग। अगर ब्लॉग पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। और भाई आप लोग वीडियोस देखते हो बट आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो भाई चैनल सब्सक्राइब करना जरूरी है। मिलूंगा बहुत जल्द आपको एक और ऐसी बेहतरीन ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए मैं प्रथम शर्मा साइनिंग ऑफ। काम बने है एक बोल पे बनर ते कह दियो नाम ढोल पे गुड़गा में ते बाचे काटी डटे परिदा बाद रोड पे।